नमस्कार दोस्तों, डिफेंस शो में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ी और अच्छी खबर निकल के सामने आई है कि भारत के करीबी दोस्त इसराइल ने एक ऐसा हथियार बनाकर तैयार कर लिया है जिसके इस्तेमाल करते ही चंद मिनटों में दुश्मनों की मिसाइलें इसराइल का ये घातक हथियार तबाह कर देगा। तो चलिए जानते हैं कौन सा है ये हथियार और भारत के लिए ये क्यों खास है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो अंत तक बने रहिए, साथ ही लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत के करीबी दोस्त इसराइल ने एक ऐसा एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाया है जो सिर्फ $2 यानी करीब 160 रुपए में दुश्मन के लाखों रुपयों के मिसाइल ध्वस्त कर देगा। और दोस्तों, इसराइल के प्रधानमंत्री ने लेजर एयर डिफेंस सिस्टम तैयार करने और कामयाबी के साथ उसका परीक्षण करने का ऐलान किया है और कहा है कि सिर्फ $2 में ये एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम दुश्मनों के मिसाइल को ध्वस्त और नस्तनाबूद कर देगा। जी हाँ दोस्तों, आपने हॉलीवुड की फिल्म स्टार वॉर्स में नई खोजों और यूनिक डिजाइनों को देखा होगा, लेकिन इसराइली वैज्ञानिकों ने अब स्टार वॉर्स जैसी लेजर बीम टेक्नोलॉजी से रॉकेट, मिसाइल, मोटर और ड्रोन्स को मार गिराने का कामयाब टेस्ट कर लिया है। इसराइल जो हर तरफ से दुश्मन देशों से घिरा है, उसके लिए इस मिसाइल सिस्टम का टेस्ट बहुत बड़ी उपलब्धि है। साथ ही साथ दोस्तों, भारत के लिए भी ये बहुत बड़ी अच्छी खबर इसलिए है क्योंकि भारत आने वाले दिनों में ये मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद सकता है और इसराइल वर्तमान में शूट डाउन सिस्टम पर निर्भर है और इस वक्त इसराइल को एक मिसाइल को ध्वस्त करने में लाखों डॉलर्स खर्च करने पड़ते हैं और हमास जैसे आतंकी संगठन इसराइल पर धनाधन इसलिए भी दागते हैं ताकि इसराइल को आर्थिक नुकसान पहुंचाया जाए। लेकिन अब इसराइल सिर्फ 160 रुपए में हमास की मिसाइलों को इंटरसेप्ट कर ध्वस्त कर देगा। तो दोस्तों, पिछले साल जब इसराइल और फिलिस्तीन के बीच संघर्ष चल रहा था, उस वक्त इसराइल की आयरन डोम एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने हमास के रॉकेट और मिसाइल हमलों को नाकाम किया था। लेकिन अब इसराइल लेजर बीम, जिसे की आयरन बीम भी कहा जाता है, उसका उपयोग सुपर हिट और हवाई खतरों को ध्वस्त करने के लिए कर सकता है और वो भी महज 150 रुपयों में। तो दोस्तों, इसराइली प्रधानमंत्री नफ्तली बेनेट ने भविष्यवाणी की है कि इसे 2023 की शुरुआत में इसराइली सेना में शामिल कर लिया जाएगा और उन्होंने कहा है कि ये एक गेम चेंजर है, न केवल इसलिए कि हम इससे दुश्मन सेना पर हमला कर रहे हैं, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इससे हम उन्हें दिवालिया भी कर देंगे। वैसे दोस्तों, आपकी क्या राय है इस टॉपिक पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अभी के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।